अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ ही इस बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट सॉल्व करूंगी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल है आपके पास, एलिमिनेट एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से आपने जो है वो यहाँ पे इन इक्वेशंस में से एक्स को एलिमिनेट करना है। ठीक है, थोड़ा सा आप जो है वो बुक की तरफ आ जाएं। इससे पहले मैंने आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व करवाया था। सवालों को बहुत गौर से देखिएगा। देखिए यहाँ पर आपके पास फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड पार्ट दोनों में आपके पास जो है वो एक्स वेरिएबल दिया हुआ है। ठीक है, दोनों इक्वेशंस में, इक्वेशन 1 और 2 दोनों में आपके पास जो है वो एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है और वो है एक्स। बट यहां पर आपके पास इस फर्स्ट टर्म में x की पावर 2 है और सेकंड टर्म में यहां पे आपके पास जो है वो x की पावर 1 है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से देखिए सेकंड पार्ट में भी आपके पास बिल्कुल यही चीज है कि आपके पास फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर मौजूद है, सेकंड टर्म में आपके पास जो है वो x है और दोनों इक्वेशंस जो है वो कुछ इसी तरीके से। बट अगर सवाल नंबर 3 को या क्वेश्चन नंबर 3 को या थर्ड पार्ट को आप यहां पर देखेंगे तो आपके पास जो है वो ऐसी कोई चीज नहीं है। यहां पे आपके पास जो है वो एट अ टाइम दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और कहीं आपको कोई स्क्वायरिंग भी नजर नहीं आ रही। इक्वेशंस आपके पास जो है वो लीनियर हैं और दो वेरिएबल्स जो है वो यहां पर यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो जब सवाल इनसे बिल्कुल अलग नौइयत का है तो सॉल्व भी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होगा, तो उसको गौर से देखिएगा कि आप इसे किस तरीके से यहाँ पे जो है वो सॉल्व कर सकते। सबसे पहले आप इन इक्वेशंस को जो है वो नीचे इसी तरीके से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई। आपने इनकी इस तरीके से नेमिंग कर दी। ठीक है, इक्वेशन की नेमिंग करने के बाद देखें सवाल की रिक्वायरमेंट आपके पास है कि आपने इन इक्वेशंस में से एक्स को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो आप एक्स को यहां से किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। देखें यहां पर एक्स का कोफिशियंट है इक्वेशन नंबर 1 में 3 और यहां पर इक्वेशन नंबर 2 में आपके पास एक्स का कोफिशियंट है -4। तो आपने यहां पर क्या करना है, ठीक है, इस तरीके से आपने जो है वो यहां पे इनको लिखना है। कहने का मतलब ये है कि देखिए यहां पर आपके पास जो है वो x का जो भी कोफिशियंट है आपने उस कोफिशियंट से इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना है और इसी तरीके से इस इक्वेशन में आपके पास x का जो कोफिशियंट है आपने उससे जो है वो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन 1 आपके पास जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, -4 से, और इक्वेशन 2 आपकी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 से। ठीक है, इस तरीके से आपने यहां पर लिखना है। अब हम इस तरीके से इसको लिखकर शो कर देंगे। ठीक है, यह आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, यह आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। आपने इनको इस तरीके से जो है वो यहां पे शो कर दिया कि आपने इक्वेशन 1 को जो है वो -4 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 2 को आपने 3 से। अब देखें जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -++ 4 3s are 12x, -++ 4 4s are 16y एंड -++ 4 और 22 आपस से मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 88। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर लें, ये क्या हो जाएगा, -3 4s are 12x प्लस 3 5s are 15y इज इक्वल टू, और इसी तरीके से आप 3 को जो है वो 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 129। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 हो गई। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपने जब इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई करने पे आप देखिएगा यहां पर आपके पास जो है वो वेरिएबल एक्स जहां पर है। ठीक है, यानी कि इस फर्स्ट टर्म में आपके पास जो है वो वेरिएबल एक्स मौजूद है और दोनों जो है इक्वेशंस में ये एक जैसे हो गए बिल्कुल। इस इक्वेशन में भी आपके पास जो है वो माइनस का 12x है
और यहाँ पर भी आपके पास x जो है वो माइनस का 12 ही है, ठीक है। हमने इनको जो है वो सेम कर लिया इस तरीके से मल्टीप्लाई करके। अब आपने देखिए यहाँ पर क्या करना है, इन इक्वेशंस को जो है वो आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर कांस्टेंट नंबर जो है वो ज़्यादा आ रहा है और यहाँ पर कांस्टेंट नंबर इसके मुकाबले में छोटा है, तो हम इक्वेशन नंबर 4 में से 3 को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 आप पहले लिख लेंगे यहाँ पर, अब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सबके साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। या आपस में जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 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 16 एंड 15 आपके पास क्या हो जाएगा 31y इज इक्वल टू, और ये भी प्लस का है ये भी प्लस का, तो दोनों प्लस हो के आपके पास क्या आ जाएंगे 31y = 217। मैं इसको दोबारा यहां पे लिख लेती हूं, अब देखिए y की जो है वो आपने यहां पे वैल्यू निकालनी है, तो 31 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आकर डिवाइड हो जाएगा। अब 31 के टेबल में 217 कब आएगा, 7 टाइम्स, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अगर कभी भी आपके पास इस तरीके की कोई सिचुएशन हो कि सवाल आपके पास जो है वो इक्वेशंस आपके पास जो है वो लीनियर हैं, दो डिफरेंट वेरिएबल्स वहां पर यूज हो रहे हैं, तो आपने जो है वो किस तरीके से इनको सॉल्व करना है, सबसे पहले आपने इसी तरीके से इक्वेशन की नेमिंग कर दी, देन आपको जो भी जो है वो वेरिएबल यहां से एलिमिनेट करना है आप उसे जो है वो बिल्कुल लाइक कर ले, ठीक है। इट मींस कि आप उसे बिल्कुल एक जैसा कर ले, तो एक जैसा करने के लिए आपको जो है वो क्या करना होगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा किस तरीके से, अपोजिट कोफिशियंट से। इक्वेशन नंबर 1 का जो कोफिशियंट है वो इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वेशन 2 का जो भी कोफिशियंट होगा वो इक्वेशन 1 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी हो एक्स वाई जेड, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन आएंगे आप उन्हें इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 का नाम दे देंगे इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आपने बस यहां पर क्या करना होगा कि इन इक्वेशन को जो है वो सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना होगा, सब्ट्रैक्ट करने से वो वेरिएबल जो है वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, और अगले वेरिएबल की आपके पास जो है उस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूंगी, इसी उम्मीद के साथ कि जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।